नमस्कार जी, कैसे हैं आप दोस्तों? मैं आपको बताने जा रही हूँ, 2022 आने वाला है। नई उमंग, नए सपने, नए रंग, अनेकों तरह के रंग लेकर आने वाला है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 आपके जीवन में कितनी प्रसन्नता और कितना खुशियाँ लेकर आएगा। क्या कह रहे हैं नए साल के सितारे? सेहत आपकी कैसी रहेगी? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपका परिवार कैसा रहेगा? आपकी नौकरी कैसी रहेगी? विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा? धन, घर, वाहन, संतान, कारोबार, नौकरी, आपकी प्रमोशन होगी या नहीं होगी, गृहस्थ जीवन और या शादी के बारे में, तो आइए संपूर्ण रूप से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साल 2022 आपको सामान्य फल देने वाला है। 16 जनवरी को मंगल का धनु राशि में गोचर अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। इस भाव को आयु भाव भी कहते हैं। मंगल का यह गोचर भाग्य का साथ देने वाला है। साल 2022 में आप जीवन में अपार सक्सेस हासिल कर सकेंगे। जनवरी से जून के दौरान छात्र अपनी शिक्षा में शुभ फल प्राप्त करेंगे। मंगल उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर बनाएगी। जो विद्यार्थी IAS PCS की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। सेहत में, स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और आप बेहतर हेल्दी का आनंद लेते दिखाई देंगे। साल 2022 में जो कैरियर है के क्षेत्र में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, आप तरक्की कर सकेंगे। शनि आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य भाव में उपस्थित रहेंगे। यह स्थिति आपकी आय में वृद्धि करेगी। अप्रैल में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। धन और संपत्ति को जुटाने में रुकावट दूर होगी। अगस्त में सूर्य और बुध ग्रह का सिंह राशि में एक साथ संयोग बन रहा है। यह आपकी राशि के चतुर्थ भाव में बुधात्म योग का निर्माण करेगा, जिससे आपकी जो आर्थिक तंगी है, जो समस्याएं आर्थिक तंगी की समस्याएं उठा रहे हैं, वो दूर हो जाएंगी। साल 2022 के नवंबर माह में बृहस्पति राशि से एकादश भाव में विराजमान होंगे। यह स्थिति इच्छाओं की पूर्ति के लिए खर्च की ओर प्रेरित करेगी। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक की अवधि में आपके आगमन में खुशियों का आगमन होगा। आपके आंगन में जो आपकी खुशियां, जो आपको सोच रहे थे, मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती है। इस वर्ष के अंतिम दिन महीनों में यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में संतान सुख मिल सकता है। बुध का नवम भाव यानी भाग्य भाव में गोचर आपके संबंधों में प्रेम लाएगा। आप घूमने भी जा सकते हैं, कहीं भी आप सोचें कि मैं जा सकता हूँ। इस प्रकार से वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगा, लेकिन पूरा महीना जो है आपके लिए बहुत ही सुखद है, साल पूरा सुखद है। और दोस्तों, मैं बता देती हूँ, वृषभ राशि का जो जनवरी माह है, इस माह में अहंकार, भ्रम और के चलते परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद पैदा हो सकता है। इसके चलते रिश्तेदारों द्वारा सुलह समझौता किया जा सकता है। ऐसे में नुकसान का अंदेशा भी है, आपकी दूरियां बढ़ सकती है। ऐसे में आपको धैर्य और संयम से कार्य करना होगा। आप क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप भगवान सूर्य को जल दें, सुंदर कांड का पाठ लगा लें। यदि आप कारोबार में चाहते हैं कि तरक्की हो या ग्राहक आपके पास आए, तो धन की आवक रुक सकती है। इसी ऋण लेकर व्यापार कर रहे हैं तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको बुध और मंगल के उपाय करना चाहिए। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके सहकर्मी आपका अहित कर सकते हैं। आपका ट्रांसफर हो सकता है, अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ऐसे में आप बिल्कुल भी धैर्य रखें, संयम रखें, बोलते वक्त ध्यान रखें और सिर्फ कार्य पर ही अपना ध्यान रखें। यदि आप छात्र हैं तो पढ़ाई के प्रति गंभीर हो जाएं,
कुछ नया करने की सोचे और नया सीखे। परीक्षा की तैयारी भी फोकस रखे। यदि कहीं किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं और सक्सेस मिल जाएगी, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो कोई भी अवसर छूटे नहीं। दांपत्य जीवन में थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है, अविवाहित है तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे, परंतु बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। आलस बढ़ने से कई कार्य पेंडिंग में चले जाएंगे, हालांकि मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। वृषभ राशि का जो फरवरी माह का महीना है, यह माह पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला रहे, विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु आप इसे संभाल लें। इसी माह यात्रा के योग भी बढ़ रहे हैं। यात्रा पर जाते समय पूरी केयर रखें। किसी भी कार्य को करने से पहले अपने परिवार में महिलाओं की सलाह भी पत्नी की सलाह जरूर ले लें। पूरे माह किसी बात को लेकर चिंता बनी है, काम को लेकर भी आपको परेशानी आ सकती है, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें। जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें अवसर मिलेगा कि नए कार पे जा सके, तो इस प्रकार से आपको छोटी छोटी बातों का दोस्तों ध्यान रखना है। आप प्लाट खरीद सकते हैं मार्च के महीने में, आप घर ले सकते हैं, तो इस प्रकार से आपकी ग्राहकी भी बढ़ सकती है, आपकी लोग आपके दुकानों पर भी, जो कारोबारी है दुकानों पर भी आएंगे, आपके शॉप का बिजनेस बढ़ेगा, गतिविधि और खर्चों पर नियंत्रण होगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्कूली छात्र है तो विद्यार्थी की तैयारी में मन लगाएं। इस प्रकार से आप अच्छे से अच्छे सोचेंगे तो अच्छा अच्छा परिणाम भी निकलेगा। और जैसे कुछ लोग व्यापार करना चाह रहे हैं, साझेदारी के व्यापार में लाभ मिलेगा, लेन देन और किसी भी प्रकार की डील शुभ रहेगी। यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो अच्छा लाभ कमा सकते हैं, अन्यथा प्रतिद्वंदी अवसर का लाभ उठा लेगा। नौकरी पेशा है तो यह सभी अच्छा है। कार्यस्थल पर सभी का सहयोग मिलेगा। यदि आपने बाड़ी पर संयम रखा तो नौकरी में उन्नति होगी। सरकारी नौकरी करने वाले अपने विरोधी से सचेत रहें। जो विद्यार्थी हैं उनका भी सुखद समय आने वाला है। दाम्पत्य जीवन में आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आप अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखें। अपनी पत्नी जितना अच्छी और उसकी सेहत का ध्यान रखेंगे, उसी तरह से आपकी नौकरी में भी प्रोग्रेस होती रहेगी। और ऐसे में आपको सेहत का ध्यान रखना है, नींद कम आने से भी सेहत का प्रभाव पड़ेगा। आप योग और ध्यान जरूर करें। इस प्रकार से आप शांति बनाए रखें घर में, और बच्चों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। नौकरी पेशा है तो यह महा सुनहरे अवसर लेकर आएगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सक्सेस मिलेगी। नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं तो यह समय सही है, परंतु यदि वर्तमान नौकरी से कोई दिक्कत नहीं है तो इस विचार को त्याग दें, अन्यथा पहले अपनों से बड़ों से अवश्य विचार विमर्श कर। छात्रों का मन पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, गणेश चालीसा रोज पढ़ते हैं, तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। विवाहित हैं तो जीवन साथी का भरपूर साथ भी मिलेगा। और वृषभ राशि के जो जून का जो राशि फल है, व्यापारी हैं तो समय निवेश करने और जोखिम उठाने का है। इस माह अच्छा लाभ कमा सकते हैं। वृषभ राशि वाले जुलाई के महीने में अपने थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी खुशियों का ध्यान रखें, यात्रा से बचे, विवाहितों का जीवन सही रहेगा। अविवाहित के विवाह के योग बन रहे हैं और परिवार में नए मेहमान के आगमन की संभावनाएं। सहकर्मियों के साथ झगड़ा होने की आशंका है। नौकरी पेशा थोड़ा सतर्क रहें। कार्य क्षेत्र पर राजनीति से दूर रहें। पानी पर आपको संयम रखना है। मतभेदों को दूर करके कार्य में फोकस रखें। वृषभ राशि वाले जो अगस्त माह है उसमें भी दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, और आप विवाहित है तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ेगा। बीमारी के कारण मानसिक संतुलन गड़बड़ा सकता है, और इस अपनी खान पान पर आपको ध्यान देना है। सितंबर माह जो है वो परिवार में किसी के रोग या आर्थिक हानि की चिंता सताएगी। इस माह बने हुए काम भी अटक सकते हैं, जिससे आपको मानसिक तनाव भी रहेगा। कारोबारी है तो यह माह आपके लिए शुभ है। व्यापार को विस्तार देने के लिए उचित समय है, हालांकि समझौता सोच समझ कर करें, अन्यथा धोखा हो सकता है। नौकरी पेशा है तो प्रमोशन होगा और तनख्वाह भी बढ़ सकती है। इससे आपके प्रति सहकर्मियों के मन में शत्रुता बढ़ सकती है। इंजीनियरिंग के छात्रों को सफलता मिलेगी।
दाम्पत्य जीवन में बड़ी थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है। आप विवाहित तो विवाह में योग बन रहे हैं, किसी के साथ रिलेशन में है तो यह समय आपसी मतभेद सुलझाने का है। सेहत की दृष्टि से यह अच्छा नहीं है, आपको खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। मानसिक रूप से आपको थोड़ी बहुत बेचैनी रहे। वृषभ राशि के जो अक्टूबर माह है ये आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। परिवार में अच्छा माहौल बनाए रखे आप, मानसिक स्थिति में भी सुधार होगा। लेकिन माह के अंत में दुर्घटना और बेवजह झगड़े के योग भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए आप सतर्क रहें। सरकारी नौकरी है तो यह माह उत्तम रहेगा और प्राइवेट नौकरी है तो सहकर्मियों से उचित सहयोग मिलेगा और पदोन्नति होने की संभावना है। छात्र हैं तो नए नए आपके बनेंगे, विचार बनेंगे, दिमाग बनेगा आपका अच्छा सा अच्छा, और आप कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। वृषभ राशि के नवंबर माह जो है वो खुशनुमा रहेगा, धार्मिक कार्यों का आयोजन होगा, परिवार में अच्छे हंसते हंसता हुआ जीवन बिताएंगे। इस माह अचानक धन प्राप्ति के योग भी बढ़ रहे हैं। बच्चों के करियर की चिंता जरूर आपको सताएगी, नौकरी पेशा है तो नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दिसंबर माह जो है वो यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो किसी काम को लेकर चिंतित रहेंगे, परंतु आपको चिंता छोड़कर कार्य पर ध्यान देने की जरूरत है, आप कार्य में सफल होंगे। व्यापारिक लोगों के लिए यह माह अति उत्तम सिद्ध होगा और रुका हुआ धन वापस मिलेगा। छात्रों को इस माह और अधिक परिश्रम करने की जरूरत है, शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोरी अनुभव कर सकते हैं। आप विवाहित को चाहिए कि वह विवाह के प्रयास जारी रखें। तो कुल मिलाकर अच्छा सा अच्छा समय आपका व्यतीत होगा। तो अच्छा, आशा करते हैं आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।